देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो जो ना जानता हो। लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि अगर राजीव गांधी सोनिया को दिल ना देते तो मां इंदिरा गांधी की पसंद एक ऐसी लड़की थी जिसका उनके परिवार से बेहद करीब रिश्ता था, जिसकी लड़की को इंदिरा गांधी मन ही मन बहू मान चुकी थी। लेकिन राजीव की पसंद के आगे उनकी एक ना चली। जी हाँ, इटली के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू बनने तक सोनिया गांधी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोनिया गांधी बनने से पहले उनका असली नाम एंटोनियो मैनो था, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को वेनेतो इटली के क्षेत्र में विसनेता से 30 किलोमीटर दूर स्थित लुसियाना में हुआ था। राजीव और सोनिया की पहली मुलाकात। सोनिया और राजीव गांधी की पहली मुलाकात साल 1965 में हुई थी, जब राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। कहा जाता है कि यहाँ पर सोनिया गांधी पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब करती थी। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। पहली ही मुलाकात में राजीव और सोनिया की दोस्ती यहीं पर हुई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इंदिरा ने किया था सोनिया का विरोध। सोनिया से प्यार करने का किस्सा राजीव ने माँ इंदिरा को बताया तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि राजीव भारत के प्रधानमंत्री के बेटे थे, जबकि सोनिया एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। इंदिरा ने राजीव को खूब समझाया लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार इंदिरा को राजीव के सामने झुकना पड़ा। राज कपूर की बेटी से कराना चाहती थी शादी। सोनिया का विरोध इंदिरा गांधी ने इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बेटे राजीव गांधी की शादी बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की बेटी से कराना चाहती थी। इंदिरा गांधी राज कपूर की बेटी रितु को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थी। अपने जमाने के वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में इस बात का जिक्र किया है। किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी की दिली इच्छा थी कि दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़े। कपूर खानदान और गांधी परिवार में थी गहरी दोस्ती। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और एक्टर पृथ्वीराज कपूर के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों में गहरे पारिवारिक रिश्ते थे, जिसके कारण इंदिरा गांधी भी कपूर खानदान से करीब से जुड़ी थी। इंदिरा के मन में कपूर खानदान के लिए काफी सम्मान था। इस कारण इंदिरा राजीव गांधी की शादी राज कपूर की बड़ी बेटी रितु से कराने की इच्छा रखती थी। 1968 में पहली बार भारत आई थी सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, ऐसे में सोनिया गांधी को उनके लिए बहू बनाना आसान नहीं था, क्योंकि एक विदेशी से शादी करना उस समय राजनीतिक नुकसान और विरोधियों को बैठे बिठाए मौका देने से कम नहीं था। राजीव पहली बार सोनिया गांधी को लेकर 1968 में भारत आए। मां नाराज थी, ऐसे में उनको सीधे घर लाने के लिए मना किया था, जिसके बाद राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन के घर में सोनिया गांधी को जगह दी, जहाँ वो कई दिनों तक रुकी। यहीं जाकर इंदिरा गांधी ने उनसे मुलाकात की। अमिताभ के घर हुई थी राजीव और सोनिया की शादी। सोनिया गांधी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 13 जनवरी 1968 को आईं। उनको रिसीव करने राजीव गांधी के साथ उनके बचपन के मित्र अमिताभ बच्चन भी थे, जहां से वो सीधे अमिताभ बच्चन के घर गई थी। इसके बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी 25 फरवरी 1968 को हरवंश राय बच्चन के घर पर ही संपन्न हुई थी। और इस तरह इटली की बेटी भारत की बहू बन गई। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप amarujwala.com पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।